हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राशन कार्ड में नाम डिटेक्ट हो जाने पर हम फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को किस तरह से एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन लेटर में लिखना है टू फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। यहाँ पर मैंने लिखा है दिल्ली गवर्नमेंट। आपका यहाँ पर जो भी तहसील या स्टेट हो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, एप्लीकेशन लेटर ऑन डिडक्शन नेम ऑफ राशन कार्ड। सर, माई हम्बल रिक्वेस्ट इज डेट फॉर सम रीजन डेट नेम ऑफ द फैमिली मेंबर हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम माई राशन कार्ड। आई एम द ओनली मेंबर ऑफ अवर फैमिली ऑफ ऑल द मेंबर एंड शी इज ऑलवेज विद अस। वी आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली एड द नेम ऑफ ऑल अवर मेंबर ऑफ द राशन कार्ड। इट विल बी योर ग्रेट मर्सी, थैंक्स। यहाँ पर आपको मुखिया का नाम लिख देना है नेम ऑफ हेड की जगह। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ABCD लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर आप राशन कार्ड का नंबर लिख दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया है। यहाँ पर आप फैमिली मेंबर के नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने ABCD लिखा है। अगर इस नाम के ये अगर डॉटर है तो डॉटर, अगर सन है तो फिर सन। और उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन लेटर के साथ आपको अपना राशन कार्ड और जितने फैमिली मेंबर के आपने नाम दिए हैं उन सबके आधार कार्ड की फोटो कॉपी आपको इस एप्लीकेशन के साथ लगाकर सबमिट करना होगा। और जो फैमिली मेंबर के नाम होंगे वो आपके राशन कार्ड में जल्द से जल्द ऐड हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।